पैसा पैसा पैसा, इसको कमाना तो सब सिखाते हैं, सब बोलते हैं कि पैसा कमाओ, लेकिन इसको बचाएं कैसे? इसको बचाना भी तो पड़ता है। अगर पैसा बचाए ही नहीं तो कमा के करेंगे क्या? और सच बताऊं, पैसा बचाना कोई नहीं सिखाता, तो मैंने हर बार की तरह खुद से बोल दिया कि खुद ही कर लेंगे। और सच मानो, जब मैंने खुद के पैसों का हिसाब किताब लगाया तो मेरी रातों की नींद ही उड़ गई। हर महीने के एंड तक मेरी सैलरी गायब। यकीन मानो, जब ये समझ में आया तो एकदम से लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन सवाल ये था कि क्या मैं पैसे बचा भी पाऊंगा या नहीं, तो मैंने शुरू किया अपने खर्चों का पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स वो सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, नाम लेते लेते ही समझ में आ गया कि यही सब मेरी इनकम का बड़ा हिस्सा खा रहे थे। और हर महीने के एंड में जब क्रेडिट कार्ड का बिल देखता था तो समझ ही नहीं आता था कि पैसे जा कहां रहे हैं। अब समझ में आया तो एक एक करके सारे बंद कर दिए। लेकिन मन में डर था कि क्या मैं इस लक्ष्य से बच पाऊंगा या वापस उन्हीं सब्सक्रिप्शंस में उलझ जाऊंगा। और इस डर के साथ एक सवाल भी था कि क्या ये मेरी इनकम का ऑलमोस्ट 50% बचाने के लिए भी काफी होगा। और फिर आता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, ऑफ कोर्स कैफे का बिल। तो मैंने थोड़ा मुआयना किया और पाया कि कैफे की छोटी छोटी कॉफियां मेरा बड़ा भारी नुकसान कर रही थी। लेकिन सोचने में भी डर लगता था कि कॉफी तो जरूरी है, इसको कैसे छोड़ेंगे। लेकिन दिल को तसल्ली देते हुए कि फ्यूचर में अगर स्टारबक्स की बड़ी बड़ी कॉफियां पीनी है तो ये छोटी छोटी कॉफियां छोड़नी पड़ेंगी। काश स्टारबक्स ने इसे स्पॉन्सर किया होता तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कैफे की कॉफियां छोड़ दी। हां, कैफे से दूर रहना आसान नहीं था। पहले कुछ दिन तो ऐसे लगा जैसे कोई लत छोड़ रहा हूं, लेकिन फिर धीरे धीरे घर की ही चाय और घर की ही कॉफी ने उस कमी को पूरा कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी भी मन में था कि ये कॉफी का छोड़ना क्या काफी होगा। तो अब आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, नहीं अक्षय कुमार नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग। हर रात बिस्तर पर लेटते ही फोन उठाया, स्क्रॉल करना शुरू, फिर एक क्लिक और एक और ऑर्डर। हाय, वो एहसास जब नया पैकेज घर पे आता है, बड़ा मजेदार होता है ना। हाँ, मम्मी की डांट पड़ती है लेकिन सह लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पैकेज की खुशी भी तो होती है। लेकिन एक दिन जब मैंने अपनी शॉपिंग हिस्ट्री देखी तो मेरा दिल धड़क गया। कितनी चीजें, इतनी की तो जरूरत भी नहीं थी। तब जाकर समझ में आया कि ये सब सिर्फ थोड़े पल की खुशी के लिए होता है। तो फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग भी बंद कर दी। लेकिन फिर भी सवाल मन में था, क्या ये कॉफी होगा? ये कॉफी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, क्या ये काफी होगा? लेकिन मैंने एक चीज तो मिस ही कर दी जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, बाहर का खाना। फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जोमेटो, स्विगी के ऑर्डर्स, वो एक एक डिश, एक एक प्लेट, जैसे हर रोज का एक रिवाज बन चुका था। लेकिन जब पोस्टमार्टम करने पर मैंने पाया कि मेरी इनकम का इतना बड़ा हिस्सा पेट पूजा पर जा रहा है, तो मैंने अपनी पेट पूजा को ही लात मार दी। अरे, बाहर से की हुई पेट पूजा को लात मारी, अंदर से नहीं, घर का तो खाता ही हूँ। हाँ, एक महीने में 2 बार बाहर का खाने का नियम बनाया, लेकिन हर बार बाहर का खाना छोड़ने का मन भी नहीं होता था। दोस्तों के साथ की जाने वाली मस्ती भी मिस होने लगी और सवाल भी मन में उठता ही था कि क्या ये काफी होगा या फिर मैं वापस उन्हीं गलियों का राही बन जाऊंगा। लिटरली इतना सब करने के बाद भी मन में एक सवाल था कि क्या ये काफी होगा, क्या मैं अपनी इनकम का 50% बचा पाऊंगा या फिर ये सब सिर्फ एक बेमतलब की कोशिश ही होगी। वो डर, वो चिंता हर रोज मुझे परेशान करती है। एक तरफ जहाँ बचत की कोशिश, तो दूसरी तरफ उन छोटे छोटे सुखों को छोड़ने का डर, और इन सब के बीच एक ही सवाल मन में गूंजता रहा, क्या मैं सच में अपने पैसे बचा पाऊंगा, क्या ये काफी होगा, काफी होगा। और फिर महीने का एंड आया, वो पल आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, और इतना सब करने के बावजूद मैं अपनी सैलरी का 50% नहीं बचा पाया, मैं अपनी सैलरी का 70% बचा ले गया। और तब जाकर समझ में आया कि मेरी कोशिशें, मेरी कुर्बानियां बेकार नहीं। हाँ, थोड़ा आसान नहीं था, लेकिन मैंने कर दिखाया। तो अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हो तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। और कभी कभी खुद पर शक करना भी ठीक होता है, क्योंकि ये शक ही होता है जो हमें सही दिशा की ओर ले जाता है। तो आज से ही शुरुआत करो और देखो कि अगर आप फालतू खर्चे हटा देते हो अपनी लाइफ से तो कितना पैसा बचा सकते हो। क्या पता आप भी बोलो फिर, हाँ मैंने कर दिखाया। और हाँ, पैसे तो बचा लिए, लेकिन इनको बैंक में पड़े रहने देकर के इनकी वैल्यू गिराने का कोई मतलब नहीं है। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि हम इनको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।